निहारिका, वेलकम टू माय चैनल निहारिका रोहित वर्मा। सो गाइस, आज मेरे घर पर डिनर पे कुछ गेस्ट आने वाले हैं एंड मैं कुछ स्पेशल उनको बना के खिलाना चाहती हूँ। सो मैं चिकन से कुछ रेसिपी जो है बनाने का सोच रही हूँ। सो गाइस, यूजली जो मैंने अपनी मदर से रेसिपीज सीखी हैं मैं वही कुक करती हूँ, तो आज मैं कुछ डिफरेंट कुक करना चाहती हूँ, अपने गेस्ट को कुछ स्पेशल कुक करके खिलाना चाहती हूँ। सो मैं आज हेल्प लेने वाली हूँ कुकपैड ऐप की। कुकपैड ऐप मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एंड मैं पिछले एक साल से इस ऐप को यूज कर रही हूँ। जब भी मुझे कोई रेसिपी सर्च करनी होती है मैं कुकपैड ऐप पे वो रेसिपी सर्च कर लेती हूँ। गाइस, हम जैसे होम शेफ्स की जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम ब्रेकफास्ट में क्या बनाए, लंच में क्या बनाए, डिनर में क्या बनाए, तो कुकपैड ऐप पे आपको वैरायटी ऑफ रेसिपीज मिल जाएंगी एंड वहां पे जाकर आप काफी सारी स्पेशल रेसिपी अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं, अपनी फैमिली को खुश कर सकते हैं। सो गाइस, मैं भी कुकपैड पे बहुत सारी रेसिपीज डालती रहती हूँ। मेरे और आपके जैसे बहुत सारे होम शेफ्स कुकपैड ऐप पे अपनी रेसिपीज को डालते हैं एंड सबसे अच्छी चीज मुझे कुकपैड ऐप की लगती है कि वहां पे जो रेसिपीज होती है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होती हैं येट काफी ज्यादा डिलीशियस होती हैं। जो इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में मौजूद होते हैं हम उन्हीं से काफी सारी स्पेशल रेसिपीज जो है बना सकते हैं। सो गाइज, आज के डिनर के लिए भी मैं कुकपैड ऐप की हेल्प लेने वाली हूँ एंड मुझे कुछ स्पाइसी एंड थोड़ा सा रोस्टेड टाइप का चिकन बनाना है। सो चलिए सर्च करते हैं। तो गाइज, कुकपैड ऐप को यूज करना काफी ज्यादा ईजी है। आप सिंपली टाइप कर दो चिकन या रोस्टेड या ड्राई टाइप करोगे तो आपको काफी सारी रेसिपीज वहां पे मिल जाती हैं। सो लेट्स सर्च। सो गाइज, मैंने रेसिपी सर्च कर ली है एंड मुझे प्रतीकास वर्ल्ड की रेसिपी काफी अच्छी लग रही है। स्पाइसी ड्राई रोस्ट चिकन एंड काफी ज्यादा सिंपल रेसिपी है एंड देखने में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रही है। सो गाइज, चलिए हम इसको जल्दी से कुक करते हैं, फिर देखते हैं कि ये रेसिपी कैसी टर्न आउट होती है। सो गाइज, आई हैव टेकन 750 ग्राम ऑफ चिकन एंड अकॉर्डिंग टू रेसिपी वी हैव टू मैरिनेट इट फर्स्ट। फॉर मैरिनेशन आई एम गोइंग टू ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ मिक्स ऑफ पाउडर फेनल सीड, क्यूमिन सीड एंड ब्लैक पेपर, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, 2 टेबल स्पून ऑफ कर्ड एंड आई विल कीप दिस फॉर 1 आवर एट लीस्ट। इफ यू गाइज डोंट हैव टाइम एट लीस्ट कीप इट फॉर 1/2 आवर फॉर बेटर रिजल्ट। सो गाइज, करीब आधे घंटे बाद जो है मैं इसकी ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। तो रेसिपी के अकॉर्डिंग हमें ऑयल गरम करना है, तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है तेजपत्ता, लौंग, चॉप्ड गार्लिक और कसी हुई मैंने अदरक डाली है। रेसिपी में अदरक वगैरह नहीं थी बट मुझे अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने ऐड किया था हरी मिर्ची एंड फिर मैंने ऐड किया करी पत्ता। नाउ मैंने 2 प्याज को स्लाइस कर लिया था, उसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसको सौते करूँगी एंड उसके बाद जब प्याज हमारी हल्की सी पक जाएगी देन मैंने ऐड किया है ड्राई रेड चिली एंड उसके बाद हम ऐड करेंगे चॉप टोमेटोज एंड जब तक हमारे टोमेटोज जो है अच्छे से गल ना जाए हमें इसे कुक करना है ऑलमोस्ट 2 मिनट के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड मैरिनेटेड चिकन एंड उसके बाद हम इसको अच्छे से सौते करेंगे जब तक हमारा चिकन जो है अच्छे से फ्राई ना हो जाए। सो मैंने यहाँ पे चिकन डाल दिया है एंड करीब 1 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पे जो है सौते करूँगा। नाउ गाइज, अब मैं ऐड कर रही हूँ मसाले। मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून ऑफ हल्दी, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक डालना है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है, थोड़ा सा गर्म मसाला एंड अच्छे से हम मसाले को भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं 20 मिनट के लिए इसको ढककर पकाऊंगी। सो गाइज, कुकपैड एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है मेरे जैसे और आपके जैसे होम शेफ्स के लिए जो डेली कुछ ना कुछ रेसिपीज अपनी फैमिली के लिए बनाती रहती हैं। तो कुकपैड पे आप अपनी रेसिपीज जो है लिख सकती हैं, वहाँ पे पिक्चर्स डाल सकती हैं एंड अपना एक पर्सनल ब्लॉग जो है वो बना सकती हैं। एंड गाइज, कुकपैड पे बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटीज भी होती रहती हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड बहुत सी यूनिक रेसिपीज आप वहाँ से सीख सकते हैं, काफी सारी रेसिपीज आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो गाइज, करीब 10 मिनट बाद मैंने चिकन को चेक किया एंड चिकन में अभी भी जो है पानी है, तो हमें करीब इसको 10 मिनट के लिए और कुक करना है जब तक हमारा चिकन का पानी सूख ना जाए। तो करीब 10 मिनट बाद जो है हमारा चिकन का पानी अच्छे से सूख गया है। अब मैं इसमें काजू ऐड करूँगी अकॉर्डिंग टू रेसिपी। हमें इसमें हनी भी ऐड करना है बट मुझे चिकन में हनी नहीं पसंद है तो मैंने इसमें हनी जो है स्किप कर दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया, आप इसके बाद जो है नींबू वगैरह भी ऐड कर सकते हो बट मैंने नींबू वगैरह ऐड नहीं किया है। और हमारा चिकन जो है बनके रेडी हो चुका है, अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। एंड गाइस, देखने में तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है।
गाइज हमारा स्पाइसी चिकन रोस्ट बनके रेडी हो चुका है एंड गाइज बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहा है, बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है एंड ये जो रेसिपी है मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, काफी ज्यादा सिंपल है। सो थैंक यू प्रीतिकाज वर्ल्ड, आपकी रेसिपी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है एंड आई कांट वेट टू हैव इट। ऐसे ही आप भी काफी सारी रेसिपीज कुकपैड ऐप पे सर्च करके बना सकते हैं अपने गेस्ट के लिए, अपनी फैमिली के लिए एंड अपनी भी काफी सारी रेसिपीज आप कुकपैड पे डाल सकते हैं। वहां के ऑथर से और हम जैसे होम शेफ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। गाइस आप भी कुकपैड पे ये रेसिपी सर्च करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको किसकी रेसिपी बहुत अच्छी लगी है। कुकपैड ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड मैं आपको कमेंट में भी जो लिंक है उसको पिन कर दूंगी। सो गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड गाइस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। गाइस मीट यू सून ऑन माय नेक्स्ट अपलोड, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।